गुड मॉर्निंग इंडिया, फास्ट 15 में आपका स्वागत है। केवल आपके 3 मिनट और आप जानेंगे पूरे दिन की खबर। उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी ने एलपीजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पद यात्रा निकाली। यहां पर दीदी ने पीएम के हर बयान को बेबाकी से जवाब दिया। दीदी ने कहा है कि अब परिवर्तन बंगाल में नहीं दिल्ली में होगा। आगे बोलूं, डीजल दाम कैनो बेले से जवाब दिन, पेट्रोल दाम कैनो बेले से जवाब दिन, गैस दाम कैनो बढ़े रोज जवाब दिन। বাংলা সরকার বিনা পয়সায় চাল দেয় আর 900 টাকায় গ্যাস কিনে পোটাতে হয়, বুঝতে পারছেন? বিনা পয়সায় চাল আর পোটাতে গেলে 900 টাকা। নরেন্দ্র মোদী, আপনার দাম কত টাকা এবার জিজ্ঞেস করুন। বড় বড় ভাষণ দেন, এসে শুধু বলুন বাংলায় পরিবর্তন হোগা। আরে বাংলায় পরিবর্তন হবে না, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে, পরিবর্তন দিল্লি মে হোগা, আপকো জানা পড়েগা। জান না, যতগুলো ইলেকশন হচ্ছে দেখে নিন। আগামী দিনে তো 5টা স্টেট ইলেকশন আছে, 5টা 5টা ছক্কা খাবেন। রাজ চক্রবর্তী কো তৃণমূল কংগ্রেস নে ব্যারাকপুর বিধানসভা সিট সে टिकट दिया। इसे लेकर राज चक्रवर्ती ने कहा है कि मैं अपनी जीत के लिए सुनिश्चित हूँ, आप कहें तो मैं अभी अपनी जीत का सेलिब्रेशन कर देता हूँ। एकदम जीता, मैं सेलिब्रेशन कर लूं, सेलिब्रेशन कर लूं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिया गया है ये के लिए, मैं यहाँ पे जो कार्यकर्ता है जो तृणमूल का, उसका साथ मिलकर पता चल गया कि जो सोच के दिया था कि ये सीट हम लोग जीतेंगे। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस पर तृणमूल कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी सांसद सौगत राय ने मिथुन को नक्सली बताया है। उन्होंने कहा है कि मिथुन आज के नहीं अतीत के स्टार है। उन्होंने 4 बार पार्टियां बदली है, वो मूल रूप से एक नक्सली थे। मिथुन चक्रवर्ती इज नॉट ए सुपरस्टार ऑफ टुडे, इज ए सुपरस्टार ऑफ यस्टरडेस एंड ही हैज चेंज्ड पार्टीज 4 टाइम्स। ही वाज ओरिजिनली अ नक्सलाइट, then he became CPM, then he joined the Trinamool Congress, he was made a member of the Rajya Sabha, BJP threatened him with ED cases, then he left the Rajya Sabha and now he has joined BJP. He has no credibility, no respect and no influence among the people. Today PM has said trying to separate the people of Bengal and in fact trying to divide the people on the basis of religion. Absolutely false. All the BJP leaders on the dais spoke against Muslims and brought out the communal rhetoric of BJP. Modi himself talked about infiltration and hinting at Muslims. If there has been infiltration, it's the responsibility of the central government because they control the border security force. So Modi's narrative is false. भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि बंगाल चुनाव के चलते इन दिनों पूरी मोदी सरकार कलकत्ता में लगी हुई है, इसलिए अब किसानों का प्रतिनिधि मंडल भी 13 मार्च को कोलकाता जाएगा। वहां के किसानों से बात करेगा और सरकार से भी बात करेगा। कलकत्ते गई साथ सरकार, हम भी जा रहे हैं कलकत्ता 13 तारीख में। हाँ, मिलेंगे सरकार से, वही हम जाएंगे वहाँ पे। हम तो किसानों से बात करेंगे वहाँ पे कि किसानों को क्या दिक्कत वहाँ पे है, एमएसपी पे उनकी खरीद हो रही नहीं हो रही, तो इन चीजों पर बात करेंगे। बंगाल में 13 तारीख में जाएंगे, वहाँ पे 13 की एक मीटिंग वहाँ पे है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर दिख रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने एक बड़ा खुलासा किया है। अब्दुल्ला ने आरोप लगाया है कि उन्हें फेक कॉल के जरिए फंसाने की कोशिश की जा रही है। एक फोन आता है, आज से 5 दिन पहले, और कहता है कि ये जी मुख्यमंत्री है झारखंड के, मेरे अच्छे मित्र हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। करे बात कहा, मैं मिलाता हूं, मगर वो किसी और से बात करे, मैं आपको वापस फोन करूंगा। कोई आधे घंटे के बाद फिर फोन आता है, जनाब मुख्यमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं, बात करें। और क्या कहते हैं, 5 तारीख को जनाब आप कलकत्ता आइए, मैं भी आऊंगा, और हमें ममता के लिए काम करना है, और मैं 50 लाख अपने साथ लाऊंगा जो मैं आपको दूंगा।
मुख्यमंत्री मुझे कह रहा है मुझे 50 लाख रुपये, मेरा भी तो कुछ फर्ज है। मैं ऐसा पंजा पड़ गया यार, ये तो हो नहीं सकता। देखिए कैसे साले की करते हैं। मैंने फौरन सुना मेंबर पार्लियामेंट है, इनकी पार्टी से मैंने उसको फोन किया। मैंने कहा भैया ये क्या है, सारा किस्सा मैंने उसको सुनाया। उसने कहा ये वही जमात कर रही है जो हमारे खिलाफ है, और देवी कोड़ा जी को भी ऐसा ही फोन किया है। सोच करिए हमें लड़ाने के लिए ये कोई भी छारबा इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा। दौलत के पास बहुत है और सारा तंजीम इनके पास है गवर्नमेंट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पंजाब के अलग अलग इलाकों से सोमवार को दिल्ली से टिकरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और आंदोलन में शामिल हुई। अवैध रूप से चलाए जा रहे हुक्का बार को सीज करने के बाद दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट किया जो देखते ही देखते वायरल हो गया। दरअसल वेस्ट दिल्ली पुलिस में दिल्ली पुलिस के मुखबिर की सूचना पर अवैध तौर पर चलाए जा रहे हुक्का बार पर छापा मारकर भारी मात्रा में हुक्का और नशे के सामान को सीज किया गया। इसके बाद कार्रवाई की तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट करते हुए दिल्ली पुलिस ने लिखा, ये हम हैं, ये हुक्के हैं और अब पावड़ी नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश के पौधारोपण अभियान में एक अजीबोगरीब घोटाला सामने आया है। पौधारोपण के लिए गड्ढे खोदने के लिए जेसीबी नहीं स्कूटर और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया। दरअसल ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है कि गड्ढे खोदने के लिए बिल में जेसीबी का जो नंबर दिए गए हैं वो स्कूटर और मोटरसाइकिल के निकले हैं। फिलहाल मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में वुमेन्स डे पर एक महिला कार रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सेवा प्रार्थना फाउंडेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया गया था। इस कार रैली की थीम चूज द चैलेंज रखी गई थी। महिला दिवस के दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान सुबह से ही एक्टिव हैं। महिला सुरक्षा कर्मियों के सुरक्षा घेरे में सीएम शिवराज सिंह चौहान सुबह ही सीएम हाउस से निकल गए हैं। इस दौरान उन्होंने सड़क पर महिला सफाई कर्मियों से बात की, साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनी हैं। महिला दिवस के दिन सीएम शिवराज ने भोपाल की सड़कों पर झाड़ू लगाई है। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। सबसे ज्यादा खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां रविवार को कोरोना संक्रमण के 11,141 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 22,19,727 हो गए हैं। जबकि इस बीमारी से 38 लोगों की मौत होने से राज्य में मृतकों की संख्या 52,438 हो गई है। बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर अपनी अपकमिंग फिल्म तूफान में नजर आने वाले हैं। वहीं अब कहा जा रहा है कि फरहान अख्तर की फिल्म तूफान रिलीज तो होगी लेकिन थिएटर में नहीं, मेकर्स फिल्म की ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज कर सकते हैं। नेपाल सरकार महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए एक नया नियम लागू करने जा रही है। इस नियम के तहत अगर किसी महिला को विदेश की यात्रा करनी है तो उसे अपने परिवार और स्थानीय बोर्ड से इजाजत लेनी होगी। इस कानून के तहत 40 साल की उम्र की महिलाओं को शामिल किया गया है। देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन अभियान जारी है। इस बीच अब खबर है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में अभी आयु वर्ग के लोगों को जल्द ही निःशुल्क कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। दिल्ली सरकार इस बारे में जल्द ही घोषणा करेगी। स्विट्जरलैंड में रविवार को सार्वजनिक जगहों पर पूरा चेहरा ढकने के खिलाफ वोटिंग हुई, जिसमें बैन के समर्थन में बहुत कम अंतर से ज्यादा वोट पड़े हैं। बैन के समर्थकों ने कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ बड़ा कदम बताया है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 में।